हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज आपको भिंडी आलू की ओकरा, बहुत लोग उसे ओकरा भी बोलते हैं, भिंडी आलू की मैं तरी वाली सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी बताने जा रही हूँ। खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, आप चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो चलिए इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है देख लेते हैं। भिंडी मैंने आधा किलो भिंडी को अच्छी तरह से धोकर देखिए इस साइज में काट लिया है। यदि बड़ी भिंडी है आपके तो उसमें 3 पीस कीजिएगा, और यदि छोटी है तो उसमें सिर्फ 2 ही पीस कीजिएगा। 4 आलू को हमने इस तरह से भिंडी की ऐसी लंबे लंबे आकार में काट ली है। थोड़ी सी हम हल्दी लेंगे, 1 कप हमने, छोटी कप में 1 कप से भी कम हमने मस्टर्ड ऑयल ली है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं। ये पीली सरसों मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, इसे मैंने इस तरह से मिक्सर में पहले सूखा ड्राई एकदम पीस लिया है, इससे पेस्ट अच्छी बनती है। इसमें मैंने हरी मिर्च, लहसुन और ये पीली सरसों का पेस्ट बना लिया है मिक्सर में पीस कर। थोड़ा सा जीरा पाउडर मैं डालूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस नमक स्वाद के अनुसार। हरी मिर्च हमने इसमें पीसी है इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूँगी। यदि आप हरी मिर्च नहीं पीसेंगे, लाल मिर्च से बनाना चाहते हैं, तो आप मसाले में लाल मिर्च यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं भिंडी आलू की तरी वाली सब्जी। देखिए ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दी है। ये जो मसाले हमने पीसे हैं इसमें मैं सारे ड्राई मसाले को ऐड कर ले रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। आप अपने जिस तरह के आपके सब्जी हैं, जितनी क्वांटिटी के उस हिसाब से ही आप मसाले डालिएगा। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून में जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिर्च हमने पीस ली है इसमें, तो मिर्च हमें ऐड नहीं करना है। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके ही डाल देंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। ये पचफोरन मैंने आपको नहीं बताया है, थोड़ा सा मैं ये पचफोरन तेल जैसे गर्म हो जा रही है, देखिए हमारी तेल गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने पहले पचफोरन डाल दिया। इसके बाद हम पहले आलू को डालेंगे, क्योंकि आलू थोड़ी हार्ड होती है। आलू को पहले फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें भिंडी को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपके लिए और भी नई नई रेसिपी ऐड करूँगी। और मेरी वीडियो को यदि सबसे पहले आप देखना चाहते हैं, यदि मेरी वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसे आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए तेल हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें आलू को डालते हैं। देखिए आलू हमने तेल में डाल दी है, अभी थोड़ा सा इसे भून लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी 1/2 टीस्पून नमक मैंने आलू में ऐड कर दी, बाकी के नमक में भिंडी डालने के बाद ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको नहीं बताएंगी, इसमें मैं थोड़ी सी टमाटर भी यूज़ कर रही हूँ। टमाटर को मैं इतनी सब्जी में 2 टमाटर, यदि मीडियम साइज़ के टमाटर तो 2 टमाटर डालिएगा। यदि आपकी 1/2 केजी भिंडी है, जिसी क्वांटिटी की सब्जी है, यदि बड़ी टमाटर ले रहे हैं तो सिर्फ 1 टमाटर डालिए। तो मैं थोड़ी सी इसमें कोरिएंडर लीफ और टमाटर ऐड करूँगी। थोड़ा इसे भून लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। देखिए आलू हमारी हो चुकी है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ी हार्ड होती है इसलिए मैंने पहले डाली है। ये जो भिंडी हमने काट के रखी है इसे ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी नमक हम इसमें, और 1/2 टीस्पून नमक मैं ऐड कर रही हूँ। और भिंडी और आलू को बिना ढके हमें भून लेना है, इसे ढकना नहीं है, क्योंकि ढकने से इसकी जो लसलसापन है वो आ जाएगी। इसी तरह से हमें थोड़ा सा इसमें भून लेना है, लाइट ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी। आप देखिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये खाने में काफ़ी टेस्टी बनती है। मैंने पहले भी आपसे भिंडी की एक सब्जी की रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो हमारी सूखी सब्जी है, ये मैं आपको ग्रेवी वाली सब्जी बता रही हूँ। तो इसे चलिए
एक मिनट तक भून लेते हैं। देखिए ये हमारी भिंडी और आलू भून चुकी है, इतना ही हमें फ्राई करना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। मैं आधा ही मसाला ऐड कर रही हूँ, देख लेती हूँ, उसके बाद में अब यदि कम होगी तो मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 5 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लेते हैं। इसे ढकना नहीं है बिल्कुल, और जब तक ये भून रही है तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ। देखिए ये भिंडी हमारी, ये जो मसाले हमने डाले थे ये भून चुके हैं, इसमें से तेल बाहर आ गई है। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। साथ में मैं ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने बारीक काट कर ली है, इसे डाल देते हैं। ये जैसे ही हमारे टमाटर भून जाएंगे मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी। यदि आप लाल मिर्चा यूज़ करेंगे तो इसकी सब्ज़ी के कलर कुछ और आएगी। मैं हरे मिर्च से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी हमारी कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो चलिए इसे थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करके टमाटर को भी नरम होने तक भून लेते हैं। देखिए ये टमाटर भी हमारी गल चुकी है, भून गई है, और सब्ज़ी भी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आपको जिस तरह की ग्रेवी चाहिए, यदि थिक ग्रेवी चाहिए या पतली ग्रेवी चाहिए, जिस तरह की आप ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो मैं इसमें करीब 1 गिलास के करीब मैं पानी ऐड की हूँ। इसमें देख लेते हैं किस तरह की ग्रेवी है। थोड़ी सी मैं और पानी इसमें ऐड कर देती हूँ, 1/2 गिलास पानी मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें। अब हम इसे ढक देते हैं। भिंडी हमारी सब्जी करीब करीब हमारी सब्जी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए एक आलू को मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये आलू पूरी तरह से पक गई है, भिंडी भी हमारी देखकर ही लग रही है कि पक चुकी है। इसे थोड़ा सा हम इसे पका लेते हैं। यदि आपको ग्रेवी और गाढ़ी चाहिए तो आप पानी कम ऐड कीजिएगा। इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे ये इसमें उबाल आ जाए 5 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे और हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसे ढक देते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे ढक्कन लगा दी है। 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है। तो चलिए इसे ढक कर थोड़ी देर, जब तक ये हमारी सब्जी में उबाल आ रही है, मैं कोरिएंडर लीव्स को काट कर रेडी कर लेती हूँ। देखिए सब्जी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ग्रेवी हमारी, इस तरह की ग्रेवी मैंने रखी है। यदि और आप थीक रखना चाहते हैं, ये ठंडी होने के बाद और भी थीक होगी ग्रेवी। यदि आप इसमें और भी ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। टोमेटो को आप पीस कर भी डाल सकते हैं, मैंने कट करके डाला है। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए इस तरह से धनिए से गार्निशिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारी भिंडी आलू की सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।